नाउ नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल स्टूडेंट रेक्टेंगल. रेक्टेंगल इन विच अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल, जिसमें अपोजिट साइड इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है. पैरेलल मीन्स ये दोनों लाइन के बीच में इक्वल गैप है. अब लाइनों पे होते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट, तो जितने भी पॉइंट हैं ना दोनों लाइनों के उनके बीच में इक्वल गैप है. लाइक हमारा स्केल, लाइक ये भी मोबाइल है, आप देख रहे हो हर जगह से इक्वल स्पेस है, कहीं से भी ऐसा नहीं है कि है ना स्पेस कम हुई हो. इसका मतलब ये दोनों लाइन किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेगी, उन्हें पैरेलल लाइन बोलते हैं. अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल, इट्स मीन ए बी डी सी के इक्वल है, ये लेंथ कहलाएगी, एंड ए डी बी सी के इक्वल है, ये ब्रेथ कहलाएगी, एंड ये पैरेलल का साइन है. जब डायग्राम पे बनाते हैं तब एरो से पैरेलल के साइन को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड देन इधर बनाते हैं तो टू लाइंस बनाते हैं, वर्टिकल लाइंस. ए बी डी सी के पैरेलल है, एंड ए डी बी सी के या सी बी के पैरेलल है. ऑल एंगल आर इक्वल एंड ऑफ 90 डिग्री, सभी एंगल इक्वल होते हैं और 90 डिग्री के होते हैं. ए बी सी डी एंगल 90 डिग्री के हैं. डायगनल आर इक्वल एंड बाइस, अब डायगनल क्या होते हैं, अपोजिट वर्टेक्स, अपोजिट कॉर्नर को ज्वाइन करने वाली लाइन. ए सी डी बी के इक्वल है, ठीक है. और बाइसेक करने का मतलब है टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है. ए ओ और ओ सी इक्वल हैं, डी ओ एंड ओ बी इक्वल हैं. अब जब डायगनल इक्वल थे तो ये जो पार्ट हुए ना ये भी इक्वल होंगे, देयर फोर ए ओ इक्वल्स टू ओ सी इक्वल्स टू डी ओ इक्वल्स टू ओ बी. सो ये प्रॉपर्टी थी हमारे क्वाड्रिलेटरल की, जिसका नाम है, जिसका नेम है रेक्टेंगल.